बालोद जिला कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जुंगेरा में थानेश्वरी नामक युवती ने खेत के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सप्ताह बाद उसकी सगाई होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में पूरा परिवार जुटा था, सभी खुश थे। लेकिन सगाई के ठीक एक हफ्ते पहले युवती ने अपनी जान क्यों दे दी, अभी इसका पता नहीं चल सका है। धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को इतना सताया कि उसने जान दे दी। वो लड़की गर्भवती थी। उसने युवक से शादी के लिए भी कहा, मगर युवक मुकर गया और कहने लगा कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो मेरे घर मत आ, तू मर चाहे कुछ भी कर। इसके बाद दुखी युवती ने जहर पीकर जान दे दी। अब इस केस में पुलिस ने आरोपी पीताम्बर को गिरफ्तार किया है। धमतरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां उड़ीसा की महिला नक्सली को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला नक्सली का नाम करुणा बताया जा रहा है। महिला नक्सली करुणा मोतियाबिंद का इलाज कराने आई थी। पुलिस ने महिला नक्सली के 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। महिला नक्सली करुणा उड़ीसा के नक्सली नेता संग्राम सिंह की पत्नी है। कवर्धा जिले की वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पंडरिया पूर्व परिक्षेत्र अंतर्गत पंडरिया सतीश नगर में ट्रैक्टर ट्राली से अवैध मिश्रित प्रजाति की लकड़ियों का परिवहन करते पकड़कर कागजात के अभाव में जब्त कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के किदेई रेंज के जंगल में अवैध कोयला उत्खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किदेई रेंज के लालपुर कक्ष क्रमांक AO712 में दबिश देकर रात लगभग 12 बजे वन विभाग की टीम अंधेरे में पहुंची तो टॉर्च की रोशनी देखकर कोयला तस्कर पिकअप छोड़कर भाग निकले। वन विभाग की टीम ने कोयले से भरा पिकअप। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक बार फिर हाथापाई का वीडियो सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि कुछ लोग रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहे थे, इसी बीच सुलभ शौचालय के पास एक ऑटो चालक को हल्की सी खरोच लग गई, जिसके बाद सभी ऑटो वाले कार सवार पर हावी हो गए। ऑटो चालकों को हावी होता देख बचाव में कार चालक ने धक्का दिया, जिससे एक ऑटो चालक के सर में चोटें आई हैं। कोरबा में सतीश कुमार नामक युवक 11 केवी तार की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। वह खाना खाने के बाद बेर तोड़ने के लिए छत पर चढ़ा था। वहां चढ़कर वह बेर तोड़ रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद युवक छत से नीचे गिर गया, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितता के मामले में हुई शिकायत के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राज्य सरकार ने यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रकरण राजभवन में भेजकर डॉक्टर रमन पर कार्रवाई की अनुमति मांगी है। बिलासपुर की बेलगहना थाना पुलिस ने स्कूटी से गांजा तस्करी करते हुए तारबार क्षेत्र के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के कब्जे से 4 किलो गांजा, मोबाइल और स्कूटी जब्त किया गया। युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रायगढ़ की कापू थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सभी 5 आरोपियों को अलग अलग गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेने की फिराक में थे, जिन्हें अपराध दर्ज के बाद से तत्काल सक्रिय होकर कापू पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया। जेवर चमकाने के नाम पर 2 युवकों ने एक महिला से मंगलसूत्र लेकर चंपत हो गए। जानकारी मिलने पर महिला ने अपने पति के साथ घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन वायरलेस ऑफिस के पीछे रविंद्र झा अपने परिवार समेत निवासरत हैं। रविंद्र किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनके दोनों बच्चे कोचिंग क्लास में थे। इस दौरान 2 अज्ञात युवक उनके घर पहुंचे। उन्होंने संगीता से पीतल व तांबे की मूर्तियां जेवर को पाउडर से चमकाने की बात कहकर ठगी की है। रायगढ़ शहर के इंदिरा नगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लापरवाह बोलेरो चालक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना से पुलिस कर्मचारी के जवान बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि स्कूटी नाली में गिर गई और लिफ्ट लेकर आने वाला युवक रोड किनारे दीवार से टकराकर जख्मी हो गया। कोतवाली पुलिस ने बोलेरो चालक को हिरासत में ले लिया है।
रायपुर की क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना प्रभारी देवेंद्र नगर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इंदिरा गांधी व्यावसायिक परिसर बंडली में शॉप नंबर 12 में मयूर कलेक्शन नामक दुकान के शटर ताला तोड़कर नगद सहित 3 नग मोबाइल व अन्य सामान चोरी करने वाले आरोपी सिविल लाइन क्षेत्र निवासी इजहार खान को गिरफ्तार कर लिया है। जीएसटी की प्रवर्तन शाखा ने पुख्ता जानकारी के आधार पर महावीर ट्रांस सर्विस धनपुरी रायपुर संस्थान में छापा की कार्रवाई की है। छापे के दौरान प्राप्त दस्तावेजों और वस्तुओं का अवलोकन करने के बाद विभाग द्वारा व्यवसायी से 99,56,000 रुपए जमा करवाया है। वहीं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप टैक्स चोरी करने के लिए जीएसटी विभाग द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। कवर्धा जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी के अंतिम दिनों में धान और अवैध परिवहन व भंडारण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में प्रशासनिक टीम ने जिले के 11 जगह पर छापेमारी की। इस दौरान 1224 बोरियों में 490 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिनकी कीमत करीब 1,30,00,000 रुपये है। बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चमगादड़ों की एक विशेष प्रजाति मिली है, जिसका वजन सिर्फ 5 ग्राम और रंग ऑरेंज और ब्लैक में है, जिसमें बोलचाल की भाषा में पेंडेंट बैट कहा जाता है। बताया जा रहा है कि चीन, भारत समेत अन्य एशियाई देशों में यह प्रजाति पाई जाती है। अपने पुराने कर्मचारी पर भरोसा करना महिला को भारी पड़ गया, जिसने मौका पाते ही नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। रतनपुर में रहने वाली महिला दुकान चलाती है, जहां रतनपुर रेस्ट हाउस के पास रहने वाला शिव मंगल सूर्यवंशी करीब 12 साल से काम करता था। उसने महिला की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म कर फरार हो गया। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रानवाही के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एयरबैग खुलने से तीनों की जान बच गई। घायलों का इलाज भानुप्रतापपुर के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिलासपुर पुलिस की ओर से शनिवार व रविवार को अभियान चलाकर 69 वारंटी पकड़े गए हैं। इस दौरान 53 गिरफ्तारी और 16 स्थायी वारंट तामील कराकर न्यायालय में पेश किया गया। एएसपी सिटी राजेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि एसपी पारुल माथुर ने न्यायालय से जारी स्थायी और गिरफ्तारी वारंट की तामील करने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे दो तस्करों को जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत 80,000 रुपए है। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम सूचना मिली थी कि 22,910 पूरी बलसाड़ एक्सप्रेस में गांजा तस्करी हो रहा है। मुखबिर ने हुलिया बताया और यह खबर भी दी कि दोनों ट्रेन के इसी कोच में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ जिला शाखा ने रतनपुर रेंजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को वन विश्राम गृह में संघ के पदाधिकारियों की बैठक में रेंजर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उनके द्वारा वन कर्मियों को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया। संघ की चेतावनी है कि यदि रेंजर को तत्काल उनकी मूल पदस्थापना अनुसंधान एवं विस्तार कार्यालय नहीं भेजा गया तो संघ काम बंद कर देगा और उग्र आंदोलन करेगा। बिलासपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र में गांधी चौक के पास युवक की लाठी और लोहे के पाइप से हत्या के बाद फरार चल रहे आरोपी जलील खान को कोतवाली पुलिस ने कोटा क्षेत्र के ग्राम भुंडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक हत्या के बाद 1.5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस की टीम गांव में दबिश देती तो वो चकमा देकर भाग निकलता था।